महावाक्य महावाक्य मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी वही है जो श्रेष्ठ योगी है, और भी जो बच्चे मुझे 8 घंटे रोज याद करते हैं वही मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी है। कोई 8 घंटे योग लगाने का लक्ष्य ले सकते हैं? ले सकते हैं जो 8 घंटे योग लगाए बैठकर? नहीं, बोलो कौन कौन करेंगे? सब नहीं, सबसे नहीं होगा। और हमें ये नहीं जानना चाहिए जब तक हमारा योग 4 घंटे न हो कोई भी आत्मा इस संसार में माया जीत नहीं बन सकती। माया को जीतने के लिए 4 घंटे योग और शेष 4 घंटे विकारों विनाश करने के लिए सवाल लें। अगर हमारा लक्ष्य हो तो चलते चलते 8 घंटे स्मृति स्वरूप रह सकते हैं। जो केवल बैठ कर मन को एकाग्र करना ही नहीं है, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। स्मृति है आपको इजोरासी का खेल पूरा हुआ, अब मुझे घर वापिस चलना है, योग हो गया। इसको रटने की जरूरत नहीं, केवल फीलिंग है। आपको स्मृति है सत्यु त्रेता युग में हमने 2 युग तक देव स्वरूप में जीवन बिताए, योग हो गया। किसी भी स्वमान में हम स्थित हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, वो सब योग हो गया। भोजन बनाते हुए अगर आपको 2 टाइम भी भोजन बनाना है और 2-3 घंटे लगते हैं उसमें आप अभ्यास कर रहे हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो ये योग हो गया। और भी सरल बात, चलते फिरते कर्म करते यदि हम ये याद रखते हैं बाबा मेरे साथ है, ये भी योग हो गया है। क्लियर है? यदि हम केवल ये अभ्यास करते हैं मैं आत्मा हूं ये मेरा शरीर है, ये भी योग हो गया है। अब बोलो 8 घंटे का लक्ष्य कौन बना सकते हैं?